मणिपुर का जो जिला अस्पताल है नेत्र का साल है, वो 2 साल से वहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है। हम लोग जाते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, और यहाँ के जो फार्मासिस्ट है वो चित्रकूट रेफर कर देता है। बताइए भाई साहब, गरीब आदमी पैसे लेके चित्रकूट कैसे जाएंगे? और यहाँ सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टर बुलाए जाने चाहिए, आँखों का इलाज होना चाहिए, जिले की जनता को राहत मिलनी चाहिए। तो इसका ये कहना है कि यहाँ के डॉक्टरों को कोई काम नहीं है, यहाँ का जो अस्पताल आँखों का पड़ा है बंद पड़ा है, और इसके चक्कर में डॉक्टर को दिखाओ आँखों में मोतियाबिंद है, वो कहते हैं आप चित्रकूट जाकर अपना इलाज कराएं। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है अस्पताल से हम लोगों को। कितनी परेशानियाँ आपको आती हैं? अरे बहुत दिक्कत होती है भाई, किराया लगा के भाड़ा लगा के जाना पड़ता है, जबकि पास सरकार हर चीज़ मुहैया करा रही है और यहाँ अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है, उसके चक्कर में हम लोगों को वहाँ भाग के जाना पड़ता है इलाज के लिए। 2 साल से तो कोई आँखों का डॉक्टर ही नहीं था यहाँ पर, मतलब आई स्पेशलिस्ट कोई था नहीं, इसलिए कोई आई का काम उसमें हो नहीं पा रहा था। अभी UPHSP से करीब 6 महीने पहले डॉक्टर भेजे गए, तो आई ओ टी अब तैयार करा दिया गया है, प्रिपेयर है इस समय, और जो सामान की आवश्यकता है ऑपरेशन के लिए उसकी लिस्ट जो है CMO साहब को दे दी गई है, सामान CMO साहब के यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ कार्य शुरू हो जाएगा।